गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। टुडे वी विल रीड योर ईवीएस बुक ऑफ क्लास थर्ड। जो आपकी थर्ड क्लास की ईवीएस की बुक है उसको हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने पढ़ा था कल, कौन सा चैप्टर पढ़ा था? चैप्टर 2, आवर बॉडी पार्ट्स, हमारे शरीर के अंग, ये पढ़े थे। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टिक द करेक्ट। वी हैव सेंस ऑर्गन्स, हम कितने सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे? 5। वी फील विथ ओवर, हम किससे फील करते हैं? स्किन से। ब्रेन स्क्रिप्ट इज यूज्ड बाय, ब्रेन स्क्रिप्ट किसके लिए यूज की जाती है? ब्लाइंड, अंधे लोगों के लिए। इन ओल्ड एज बॉडी बिकम, बुढ़ापे में शरीर कैसा हो जाता है? कमज़ोर और धीमा। वीक एंड स्लो, आवर बॉडी हैज़ 206 बोन्स, हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं? 206। फिर इसके बाद ये देखिए, अब कीजिए इसको ए। वी हैव सेंस ऑर्गन्स, ए है 4, बी है 6, सी है 8 एंड डी है 5। आंसर होगा 5। वी फील विथ आवर, वी फील विथ आवर स्किन, ए है ईयर, बी है स्किन, सी है टंग, डी है नोज। आंसर स्किन। थर्ड, ब्रेन लिपि, ब्रेन स्क्रिप्ट, इज यूज्ड बाय पीपल, कौन से लोगों के लिए होती है ये? ब्लाइंड, अंधे लोगों के लिए। डीप, ब्लाइंड, डम्ब एंड ओल्ड, यहाँ होगा ब्लाइंड। अब फोर्थ, इन ओल्ड एज बॉडी बिकम वीक, स्लो स्ट्रॉन्ग बोथ ए एंड बी, राइट। अब है फाइव है इसका, और बॉडी एज बोन्स, कितनी बोन्स होती है हमारी बॉडी में? है
320, बी 150, सी 260, आंसर 260, डी 200। तो कितना हुआ 260। और बॉडी है बॉन्स, कितने बॉन्स हमारे बॉडी में 206। तो ये हुआ आपका टिक द करेक्ट कंप्लीट। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए, वी यूज आवर हैंड्स टू, हम हमारे हाथों का यूज काहे के लिए करते हैं, काम करने के लिए, वर्क। आवर टांग हेल्प अस टू टेस्ट, ब्रेल स्क्राइब्ड यूज्ड बाय ब्लाइंड पीपल, चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम पोलियो, वर्क विद द सपोर्ट ऑफ कैलिपर्स। क्लिपर्स। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू नोज। देखिए बी, वी यूज आवर हैंड टू वर्क, किसमें यूज करते हैं हमारे हैंड्स को, काम करने के। सेकंड है आवर टांग हेल्प अस टू टेस्ट, हमारे टंग काय में टेस्ट, वो काय में हेल्प करती है टेस्ट करने में। ब्रेल स्क्रिप्ट इज यूज्ड बाय ब्लाइंड पीपल। फोर्थ, चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम पोलियो, वॉक विथ the support of caliper। we breathe in air नोज। ये हुआ आपका बी कंप्लीट। अब देखिए ट्रू फॉल्स। तो अब मैं बोलूंगी, आप लिखेंगे। लिखिए सी, इसमें ट्रू फॉल्स लगाने हैं। तो फर्स्ट है वी फील थ्रो ओवर आईज, हम हमारी आंखों से फील करते हैं। ट्रू आएगा या फॉल्स, तो इसमें लिखिए एफ, क्या आएगा एप, फॉल्स। फिर है वी शुड बाथ वंस इन ए मंथ टू कीप आवर बॉडी क्लीन, हमें महीने में एक बार नहाना चाहिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमें साफ रखने के लिए। तीजिए महीने में एक बार नहाना चाहिए, नहाना चाहिए एक बार या डेली नहाना चाहिए, डेली। तो ये भी फॉल्स, तो इसका लगाइए एप, क्या लगाएंगे आप एप। फिर है ईच पार्ट ऑफ बॉडी इज इक्वल इम्पोर्टेंट, हमारी बॉडी के सभी भाग बराबर महत्वपूर्ण है, सही है। तो इसके लिए आएगा ये टी, क्या आएगा टी, इसके लिए लिखिए टी। थर्ड में आएगा टी, पीपल हु कैन नॉट वॉक टेक द हेल्प ऑफ वरियस वॉकिंग एड्स, जो लोग चल नहीं सकते हैं वो किसी भी जो चलने का साधन होता है उसका उपयोग लेते हैं, उसकी सहायता लेते हैं। तो ये क्या है टी, सही बात है ना, तो इसमें लिखिए टी।
अब वह फिफ्थ, डिफरेंटली एबल पीपल नीड अवर पिटी एंड सिंपैथी, जो असहाय व्यक्ति होते हैं उन लोगों को हमारी सिंपैथी की जरूरत होती है? नो, हमारी सिंपैथी की जरूरत नहीं होती है उन्हें। एफ लिखिए, एफ क्या लिखेंगे? एफ के। अब लिखिए डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन या टू वर्ड्स, जो वन या टू वर्ड्स के आंसर है वो लिखिए। क्वेश्चन नहीं लिखूंगी मैं, ओनली आंसर लिखूंगी। आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है, क्वेश्चन आप बुक में से लिखेंगे। व्हाट हेल्प डीप पीपल टू कम्युनिकेट, जो बहरे लोग होते हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए कैसे सहायता की जाती है? आंसर वन डी, आंसर लिखिए लिप रीडिंग, जो हमारी होठों की भाषा होती है, ऐसे बोलने के शब्द होते हैं, इनसे वो समझ जाते हैं। सॉरी। अब देखिए सेकेंड, नेम द डिजीज इन विच चिल्ड्रेन वॉक विद द चैलिपर्स, वो बीमारी बताइए जिसके कारण बच्चे स्लीपर्स में चलते हैं, किससे चलते हैं? तो वो है पोलियो। कौन सी बीमारी हो जाती है बच्चों को? पोलियो, पोलियो। अब आंसर थर्ड, व्हाट इज द लिम्ब फिटेड टू पर्सन आफ्टर एन एक्सीडेंट कॉल्ड, जो लिम्ब फिटेड पर्सन होता है उसके नीचे से घुटे उन पर्सन को एक्सीडेंट के बाद में क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल लिम्ब, आर्टिफिशियल लिम्ब। ओके, इसके बाद है नेम वन वॉकिंग एड, एक वॉकिंग एड का नाम बताइए, तो वॉकिंग स्टिक। वॉकिंग स्टिक, अब देखिए ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हाउ डू अवर लेग्स हेल्प अस, जो हमारे पैर है वो हमारी कैसे मदद करते हैं, कैसे सहायता करते हैं? तो लिखिए आंसर, आंसर लिख देती हूँ मैं। फर्स्ट का आंसर फर्स्ट है ये, देखिए हाउ डू अवर लेग हेल्प अस, वी कैन स्टैंड वॉक एंड रन विथ द हेल्प ऑफ ओवर लेग्स, ये इसका आंसर है। अब सेकेंड है, हाउ डज अवर स्किन हेल्प अस, हमारी स्किन हमें कैसे हेल्प करती है? तो इसका आंसर लिखिए, आंसर टू, वी फील थिंग्स with our skin. Okay, what does differently added people, जो differently added people है वो कौन से हैं? देखिए answer third, some people cannot see, hear, speak,
और वॉक। कुछ लोग जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और चल नहीं सकते, लाइक एवरीवन एल्स दे आर डिफरेंटली डिफरेंटली एबल्ड पीपल। ओके, अब आपका फोर्थ क्वेश्चन, तो लिखिए आंसर फोर्थ। व्हाई शुड वी हेल्प ओल्ड पीपल, हमें ओल्ड लोगों की देखभाल क्यों करनी चाहिए। इन ओल्ड एज बॉडी बिकम्स वीक एंड फ्रेल, बॉडी रिएक्शंस बॉडी रिएक्शंस बिकम स्लो टू, सो वी शुड टेक केयर ऑफ ओल्ड वंस। ओके, इसके बाद में ये पिक्चर्स दी हुई है, तो ये देखिए, ये है हार्ट, ये क्या है, एच ई आर टी हार्ट, फिर है ई आर ईयर, ये बी आर ए आई एन ब्रेन, टी ओ एन जी टांग एंड एल ई जी लेग, ये है। अब नीचे फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ ब्रेन हार्ट एंड लंग्स, तो इनका लिखिए सबसे पहले ब्रेन, जी फर्स्ट है ब्रेन, द ब्रेन कंट्रोल आवर थॉट्स मेमोरी एंड स्पीच द फंक्शन ऑफ मैनी organs within our body। ओके, अब सेकेंड है हार्ट, हार्ट तो द हार्ट इज एट द सेंटर ऑफ योर सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी
सिस्टम। विच ए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स दैट डिलीवर्स ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। जो लंग्स है ये लंग्स आप करेंगे। आप एस डब्ल्यू नोट कर लीजिए। कंप्लीट डू कंप्लीट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करने हैं। ये आपका एच डब्ल्यू है। ओके बाय सी यू।